अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम ज़ारा है और आपको पता है कि मेरा चैनल है यूट्यूब पे एक्सप्लोर दुबई विद ज़ारा। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और मुझे आप लोगों का फीडबैक जो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है हमारा कि यूएई में अगर हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट करना है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए डिसीजन लेना है ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मार्केट को रिसर्च करना है। आपने अच्छी तरह से मार्केट को रिसर्च करना है क्योंकि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आप अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो और विदाउट रिसर्च आप बिल्कुल भी नहीं करो, क्योंकि आप अपना इतना सारा जो एसेट आप उसमें डाल रहे हो, इतना सारा पैसा फाइनेंस जो कर रहे हो आप, ये ना हो कि आपकी ज़रा सी गलती की वजह से या आपको मार्केट के बारे में पता ना होने की वजह से या किसी भी वजह से वो जो पैसा है वो आपका डूब जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने बिज़नेस के बारे में पूरी आपकी ग्रिप होनी चाहिए आपको अपने बिज़नेस के ऊपर। चलें अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रोसीजर क्या है एक बिज़नेस को यूएई में स्टार्ट करने के लिए, दुबई में स्टार्ट करने के लिए, कहीं पे भी अगर आप किसी यूएई के किसी भी आप सिटी में स्टार्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें इन केस अगर आप विजिट वीज़े पे हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी यहाँ के रेजिडेंट हो, रेजिडेंट वीज़े पे हो तो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इसका सबसे पहले क्या प्रोसीजर है कि हमें जो है सबसे पहले एक ऑफिस लेना पड़ता है। ऑफ़िस हमें पहले क्यों लेना पड़ता है, ऑफ़िस पहले हमें इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जब आप ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हो तो ऑफ़िस का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ट्रेड लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स के साथ लगते हैं। तो इस वजह से हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे पहले ऑफ़िस हमें लेना पड़ेगा और ऑफ़िस आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑलमोस्ट 40,000 से लेकर 50,000 60,000 एनुअली पे, जो आपको 4 चेक्स में भी मिल सकता है, आपको 6 चेक्स में भी मिल सकता है। आपको वन टाइम इसकी पेमेंट नहीं करनी होगी, अगर आपको 6 चेक्स में मिलेगा तो आपको एक पहली पेमेंट करनी होगी और उसके बाद एक महीना छोड़ के दूसरे महीने आपको करनी होगी पेमेंट, और अगर आपको 4 चेक्स में मिलता है तो इसी तरह से होगा, पहले मंथ आप पेमेंट करेंगे, फिर 2 मंथ आपको पेमेंट नहीं करनी होगी, फिर आप जो है थर्ड मंथ में जाकर उसकी पेमेंट करेंगे। इस तरह से पूरा ये साल का होता है, एक साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप अगर आपको जगह पसंद आई है, आपका बिजनेस अच्छा रन करने लग गया तो आप उसी को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि आपको पता है बार बार जगह बदलने से भी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो बात हो गई हमारे ऑफिस की। ठीक है, जब आप ऑफिस ले लेंगे, आप ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ऑफिस का जारी होता है, वो आपको साथ में डॉक्यूमेंट्स के लगाना पड़ता है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, हमें स्पॉन्सर हायर करना पड़ता है। स्पॉन्सर क्या होता है, आपको जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको एक यूएई का लोकल जो है वो अपने बिजनेस में ऐड करना पड़ता है और ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है और ये मस्ट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको एक स्पॉन्सर हायर करना पड़ेगा। पर आप इसमें डरे नहीं कि स्पॉन्सर जो है हमारे बिजनेस के ऊपर कब्जा कर लेगा या कुछ भी इस तरह सा सीन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पॉन्सर की एक एनुअली फीस होती है जो कि आप स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 4,000 से लेकर आप कह लो 8,000 10,000, डिपेंड करता है स्पॉन्सर के ऊपर कि स्पॉन्सर कितने बड़े लेवल का है या उसकी क्या फीस है। स्पॉन्सर आपको हायर करना पड़ता है, उसके बाद आप जब अपने स्पॉन्सर हायर कर लिया और तो स्पॉन्सर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देगा ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए। स्पॉन्सर अपने क्या डॉक्यूमेंट्स देगा, आपको अपने पासपोर्ट की कॉपीज देगा, उसके अलावा स्पॉन्सर आपको अपना एमरेट्स आईडी देगा। ठीक है, इस ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको स्पॉन्सर के लेकर उसको साथ लगाने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें जाके ट्रेड लाइसेंस कहाँ पर बनवाना है। ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पे दुबई में बने हुए हैं दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। ठीक है, आप इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पे कस्टमर सर्विस के काउंटर बने होते हैं, वहाँ पे आपको उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, अरेबिक स्पीकिंग, सब तरह के जो है ना वो कस्टमर केयर के आपको बंदे मिलेंगे। वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपको नेक्स्ट कहाँ पे जाना है और क्या करना है। आप उनको बताओ कि मुझे इस तरह से एक कंपनी खुलवानी है, आप जो भी अपनी कंपनी का जो है नाम वगैरह सेलेक्ट करते हो, ठीक है, आप उनको बताओ कि मुझे इस नेचर की कंपनी खुलवानी है। जब आप उनको ये बता दोगे कि आपको कंपनी खुलवानी है
तो वो आपको गाइड करेंगे, आप ऐसा करें इस डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ पे जाके आप अपना टोकन लें, टोकन लेने के बाद आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करवाना होता है। नाम रजिस्टर्ड करवाने के बाद आगे एक फर्दर प्रोसीजर होता है, उसके बाद आपको कंपनी की में वो आपको पूछते हैं आप कितने पार्टनर्स हैं कंपनी के, एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है। एक पार्टनर तो मस्ट होएगा स्पॉन्सर, और एक डेफिनेटली आप होंगे। इसके अलावा भी अगर आप पार्टनर ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पार्टनर जो आपका जो अरेबिक पार्टनर होता है, ठीक है, उसके जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं ऑलमोस्ट 51%, ठीक है। उसके अलावा आपके बाकी जितने पार्टनर होंगे, जो बाकी 49% के शेयर्स हैं वो आप लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि कंपनी का मैनेजर कौन बनेगा। मैनेजर मतलब यहाँ पे मैनेजर को बोलते हैं मुदीर। मुदीर से ये मुराद होती है कि कंपनी का कोई भी काम होएगा ना तो वो मैनेजर को करना होएगा, जितने भी मतलब लीगल कुछ काम होएंगे या वीज़ा इश्यूज करवाने हैं या कोई भी मतलब जो मेजर जो होगा ना आपका, आप इसको कह लो डिसीजन मेकर, वो मैनेजर होता है, ठीक है। मैनेजर की मर्जी के बिना जो है ना वो नहीं हो सकता कुछ भी, इसलिए वो एक नाम आपसे पूछते हैं कि मैनेजर कौन होगा। स्पॉन्सर जो है वो आपका मैनेजर नहीं बन सकता, तो आप अगर एक ही पार्टनर हो तो डेफिनेटली आप ही बनोगे। इसके अलावा अगर आप दो पार्टनर हो, तीन पार्टनर हो, तो आपको एक चूज करना पड़ेगा कि इसके अंदर से मैनेजर में किसका नाम आएगा। उसके बाद आपने मैनेजर डिसाइड कर लिया, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपने जो कंपनी खुलवानी है उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज डलवानी है। अब मैं आपको थोड़ा सा कैटेगरीज की डिटेल बता दूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जिस तरह से आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, हम एग्जाम्पल लेते हैं टेक्निकल सर्विसेज की, ठीक है। अगर आप टेक्निकल सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट करने लगे, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने ट्रेड लाइसेंस में क्या क्या कैटेगरीज लिखवानी, क्योंकि आप जो जो कैटेगरीज ट्रेड लाइसेंस में डलवाओगे आप सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज के ऊपर काम कर सकते हो। अब हम मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जिस तरह अगर आप उसमें डलवा देते हो इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का वर्क डलवा लेते हो, आप वो काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्लम्बिंग का और सैनिटरी का वर्क डलवा लेते हो, उसके अंदर कैटेगरी डलवा लेते हो, तो आप वो भी काम कर सकते हो। इसके अलावा फ्लोरिंग और वॉल टाइलिंग का अगर आप डलवाते हो कैटेगरी, आप उसमें भी काम कर सकते हो। ये डिपेंड करता है, अगर आप कारपेंट्री का भी उसमें डलवा लेते हो आप उसमें भी काम कर सकते हो। उसके अलावा वॉलपेपर्स, उसके अलावा पार्टीशन, फॉल सीलिंग और प्लास्टर का जितना काम होता है वो सब डलवाओ, तो आप उस उन सब सेक्शंस में भी काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसमें डलवा लो जिस तरह बिल्डिंग क्लीनिंग का काम होता है, अगर आप वो भी डलवा लोगे तो आप उसके अंदर भी काम कर सकते हो। और जितनी आप कैटेगरीज आप बढ़ाते जाओगे, वाउचर की अमाउंट जो है आपकी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन सब कैटेगरीज के बाद क्या निकलता है, आपका एक वाउचर निकलता है। वाउचर निकलता है, सबसे पहले वो आपकी कैटेगरीज लेते हैं, आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, और इसके अलावा वो आपकी जो आपने ऑफिस लिया होता है ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ठीक है। ये सब जब आप डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवा देते हो, उसके बाद वो आपको एक वाउचर निकाल देते हैं। वाउचर के ऊपर डिटेल लिखी होती है कि अब आपने कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा कैटेगरीज आप इसमें डालते जाओगे, आपकी पेमेंट का जो वाउचर है वो उतना ज़्यादा होगा। अगर जितनी ये मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, अगर आप इन सब को इन्वॉल्व करते हो, तो आपका 14 से 15,000 का जो वाउचर है वो निकल आएगा। आपका वाउचर निकल आया, आपने पेमेंट कर दी काउंटर पे जाके, जब आपने पेमेंट कर दी आपको उसी टाइम जो है आपको आपका ट्रेड लाइसेंस जो है वो इशू कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि वो डिले करेंगे, एक दो दिन तीन दिन का प्रोसीजर, ऐसा कुछ नहीं। ये आप प्रोसीजर एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, दो दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि जब आप डॉक्यूमेंट्स उनको देते हो तो वो आपको टाइपिंग के लिए मेमोरेंडम की टाइपिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है। आप मेमोरेंडम की भी वहाँ पे टाइपिंग करवाते हो, उसके अंदर आपके तीनों दो पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं, जितने भी हैं उन सबके वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके अंदर जो है मेमोरेंडम में सब कुछ लिखा जाता है, किसका कितना शेयर बनेगा और कितने परसेंट किसका होगा, ये सब जो है वो मेमोरेंडम में आ जाता है।
उसके बाद आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद अगर आप विजिट वीज़ा पे हो तो आप जो हो अपना उसके बाद आप जो है अपना वीज़ा इशू करवा सकते हो। वीज़ा इशू करवाने के लिए आपको लेबर कार्ड बनवाना पड़ेगा, इमिग्रेशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो कि आपकी कंपनी के ये कार्ड्स होते हैं। वो आपको फर्दर गाइड करेंगे, आप उनसे डिटेल पूछ लो कि आप इसके बाद हमें पार्टनर वीज़ा इशू करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। वो आपको जो है टोटली वो गाइड करेंगे कि अब आप अपने कार्ड्स बनवाएं, पहले आप अपने कार्ड्स बनवाएंगे उसके बाद आप अपना पार्टनर वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 3 से 4 वर्किंग डेज में आपको मैक्सिमम मिल जाता है। तो व्यूवर्स, ये तो था कंपनी यहाँ पे यूएई में किस तरह से खोलते हैं। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि अगर आप बिजनेस पे में जाते हो तो वहाँ पे बहुत, अगर आप कुछ ऑफिस बनाना चाहते हो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप बिजनेस पे की साइड पे जाओ तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे टावर्स बने हुए, जो कि बिजनेस के लिए एक हब भी बन चुका है, ठीक है। उसको आप कह लो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम है, बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट का काम है, बहुत ज़्यादा ऑफिसेज वहाँ पे बने हुए, रेंटे कार का वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। इस तरह से डिफरेंट मार्केट्स बनी हुई हैं। अगर आप नाइफ एरिया की तरफ जाओ तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक की तरह हर तरह का काम मिलेगा। उसके अलावा नाइफ समझ लो एक छोटे स्केल की मार्केट है, लेकिन होलसेल मार्केट की टाइप आप कह लो, और वहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। आपको कपड़े का कारोबार, आपको ये एसी वगैरह के पार्ट्स और प्लम्बिंग का सब सामान, जितना भी इस तरह का सामान है वो सब आपको जो है नाइफ में मिलेगा। नाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको अवेलेबल नहीं होगी। और ये आप समझ लो कि जिस तरह आपके कंट्री में बहुत सारे होलसेलर मार्केट्स होती हैं, ये भी इसी तरह की एक होलसेल मार्केट है। इसके अलावा अगर आप कोई ग्रॉसरी खोलना चाहते हो तो उसके लिए भी लाइसेंस का प्रोसीजर सब सेम रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप जगह को चूज़ करो। जगह को चूज़ करके आपको जब लाइसेंस मिल जाए, आप जो है उसको अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। 2nd डे से आप उसको जो है ना स्टार्ट कर सकते हो। तो होपफुली जो लोग बिजनेस के बारे में, यूएई के बिजनेस के बारे में, दुबई के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, होपफुली उनको जो है उनके काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। प्लीज़ व्यूवर्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं। जिस तरह आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि दुबई का बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपको मैंने ऑफिस की इन्वेस्टमेंट बता दी है, मैंने आपको ट्रेड लाइसेंस की इन्वेस्टमेंट बता दी है, ये तो मैंने आपको एक उसकी बताई है। इसके अकॉर्डिंगली जो है इसी के कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, पर ऑलमोस्ट पेमेंट जो है वो इसी तरह से रहेगी। लेकिन व्यूवर्स, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे, आपके माइंड में एक चीज हमेशा होनी चाहिए कि 3-4 महीने का जो बैकअप है ना, वो आपके पास होना चाहिए मॉनेटरी फॉर्म में। क्योंकि क्या होता है, कई दफ़ा होता है आपके बिजनेस को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉफिट जनरेट होने में टाइम लगता है। तो अगर आपके पास फाइनेंस की कमी होगी तो जिसकी वजह से आप उसको प्रॉपरली जो है रन नहीं कर पाओगे और आपको एट द एंड जो है वो लॉस फेस करना पड़ेगा। जिसकी वजह से जब भी आप अपने बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लें, आपके पास मिनिमम 3 मंथ्स का जो है बैकअप होना चाहिए। ये बैकअप आपको लेके चलना पड़ेगा कि अगर आप फर्स्ट पेमेंट कर देते हो, जिस तरह ऑफिस लेते हो या कोई भी शॉप लेते हो, तो आपको 2nd पेमेंट का अरेंज भी अपने पास रखना पड़ेगा। वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता, पर आपको फिर भी सेफ, अपनी अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको ये सब स्टेप्स लेने चाहिए। डेफिनेटली आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको ज़्यादा पता होगा कि आपको किस तरह से उसको करना है। और जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ और आपको दुबई के बारे में, यूएई के बारे में जानना चाहते हैं, तो व्यूवर्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी मुझे वीडियो बनानी पड़े तो मैं आपको बना के ज़रूर दूंगी, ठीक है। तब तक अपना आप ख्याल रखें और प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। Till then, bye, take care, Allah Hafiz.